हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआहेड़ी में 22 अप्रैल की रात को खेत में पानी जाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक के साथ पहले लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसके बाद युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी हुई थी। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगलौर कोतवाली में एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अब तक तीन आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं। हत्या के मामले में शामिल अभी और भी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने 1 मई को मुखबिर की सूचना पर तीन हत्यारोपी को चौकी नारसन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, खोखा कारतूस, साथ ही टूटे हुए बेसबॉल के डंडे बरामद किए। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार की रिपोर्ट। 23 अप्रैल के दिन थाना मंगलौर के कुआहेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जिसका नाम भरतवीर है, भरतवीर राठी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर हम लोग पहुँचे थे, हम लोगों के द्वारा मौका मुआयना किया गया, आसपास लोगों से जब बात की गई, उसकी माता से जब बात की गई, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि भरतवीर का जो खेत है उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें सुबह से जो दूसरा पक्ष है वो इसे लगातार उकसा रहा था मौके पर आने के लिए, बुलाने के लिए। और जब इसे उकसा के वहाँ बुलाया गया, इन लोगों ने एक राय होकर, करीब 6-7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने लाठी डंडों से पहले इसकी मारपीट की, उसके बाद तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की गई थी। पुलिस जब इस लाइन पर आगे बढ़ी और अन्य लोगों से जब पूछताछ की गई, क्योंकि सभी एक ही बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं और इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन वगैरह सब बंद करके लोग गायब हो गए थे, पुलिस के द्वारा लगातार दबिश इसमें पड़ रही थी। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा अपने प्रयासों से 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है नकुल, जिसने तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की थी, वो भी पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है, अभियुक्त को भी पकड़ा है, और उसके साथ जो अन्य 2 साथी हैं, धीरज और एक और साथी, उनके पुलिस ने अरेस्टिंग की है। इसकी जो मृतक की माता है संगीता, इनके द्वारा जो मुकदमा लिखवाया गया था उसमें 7 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जो वहाँ मौके पर जिनको बताया गया था, पुलिस में इसमें भी स्क्रूटनी कर रही है उन चीज़ों को, और जो गवाहों को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 3 लोगों की अरेस्टिंग करी है। बाकी अन्य भुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी और उनकी जो स्क्रूटनी है उसमें विवेचना भी चल रही है, तो यथाशीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाएगी।